जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिया बचन मृद सुनत निपूचितौ आँखि उघार, तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। प्रिय पत्नी और कुशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल करके देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरज उठ बैठ भुआलु, कह सुमंत कह राम कृपालु, कहा लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु भय देही। धीरज धर करके राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपति राव बिकल बहु भांति, भाई जुग सरिस सिरातिन राति, तापस अंध साप सुधि आई, कौशल सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं है। राजा को अंधे तपस्वी स्वर्ण कुमार के पिता के श्राप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयहु बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहित दिग्जीवन आशा, सो तनु राखि करब मैं कहाँ, जहीं न प्रेम कुन मोर निवाह। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को अधिकार है, मैं उस शरीर को रख करके क्या करूँगा जिसे मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चेत चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुबर, हाँ पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, तनु परिहरि रघुबर बरहि, राम गौं सुर धाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। राम राम कह करके फिर राम कह करके फिर राम राम कह कर और फिर राम राम कह कर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग करके सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमलज सुपधा छावा, जियत राम विदु बदन निहारा, राम विरह करि मरण संवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया है, जिनका निर्मल जस अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बना करके अपना मरण सुधार लिया। शोक बिकल सब रोहि रानी, रिपसिल बल तेज बखानी, करहीं बिलाप अनेक प्रकार, परिहरि भूमि तल बारहीं बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं, वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं। बिलपही बिकल दासु अरिदासी, घर घर रुदन करहीं पुरवासी, अथयों राज भानुकुल भानु, धर्म औधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं और नगरवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो गया। गारी सकल के कहीं देही, नन बिहीन किन जग जेही, एही विधि बिलपत रैन बिहानी, आये सकल महामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियां देते हैं, जिसने संसार को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार से विलाप करते हुए रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समा, कहीं अनेक इतिहास, शोक निवार हो सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरि नेप तनु राखा, दूत बुलाए बरही अस भाषा, धावहु बेग भरत पहि जाहूँ, नृप सुधि कहुत कहुत जनिकाहूँ। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भर करके राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूत को बुला करके उसने कहा, तुम लोग जल्दी दौड़ करके भरत जी के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से मत कहना।
एत नहीं कहूँ भरत सन जाए गुर बुलाई पठाउ दो भाई। सुनि मुनि आयुष धावन आए चले बेग बरबाजी ल जाए। जाकर के भरत से ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुला भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर के धावन दूत दौड़े हुए अपने बेग से उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। अनुरथ औध आरंभ जबते कुछ गुण होई भरत कहूँ तबते। देख ही रात भयानक सपना जाग करही कुटकोट कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ है तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगा है। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह से की बुरी बुरी कल्पनाएँ किया करते थे। विप्र जवाई देह दिन दाना शिव अभिषेक करही विधि नाना। मांग हृदय महेश मनाए कुशल मात पितु परजन भाई। अनाष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मान करके उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आय। गुरु अनुशासन स्वरण सुनी चले गणेश मनाय। सियावर रामचंद्र की जय पौन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी उस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु की आज्ञा कानों से सुनते हुए गणेश जी को मान करके चल पड़े। चले समीर बेग है हाँ के नागत सरित शैल बनवा के। हृदय सोच बड़े कुछ न सुहाई अस जा नहीं जी जाई बड़ा उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट नदी पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़ करके पहुँच जाए। एक निमेश बरस समझाई ए विधि भरत नगर नियराई। असगुन हो ही नगर पैठारा रटे कुंभात कुखेत करारा। एक एक निमेश बरस के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी तरह से बैठकर के बुरी तरह से काँव काँव कर रहे थे। खरसियार बोला ही प्रतिकूला सुनी सुनी होए भरत मन शूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा नगर विशेष भवानु भवन उलागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं यह सुनकर के भरत के मन में बड़ा ही पीड़ा हो रही है। तालाब नदी बन बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाइन जोई राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी मनो सबई सब संपत हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पंछी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे थे जो देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं मानो सब अपनी अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हो। पुरुजन मिला न कहीं कुछ गाँव ही जो हार ही जाए। भरत कुशल पूछ न सकहीं भय विषाद मन माही। सियावर रामचंद्र की जय कौन पुत्र हनुमान की जय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं हैं। गौ से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी जनपुर दई दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनी के कई नंदनी हर्षि रवि कुल जलरु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते मानो नगर में दसों दिशाओं में दवा अग्नि लग गई हो। पुत्र को आते सुनकर के सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूप के कई बड़ी खुश हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई द्वार ही भेट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा मानव तीन बनज बनु मारा। वह आरती सजा करके आनंद में भर करके उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिल करके भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा मानो कमलों के बन को पाला मार गया हो। के कई हर्ष है भांति मनहु मदित तब लाई किराती। सुतही सोच देख मनु मारे पूछित नहीं हर कुशल हमारे। एक के कहीं इस तरह हर्षित दिखती थी मानो जंगल में आग लगा करके आनंद में भर रही हो। पुत्र को शोक वश और मन महारे बहुत उदास देकर के वह पूछने लगी हमारे नैहर के कुशल तो हैं। सकल कुशल कहीं भरत सुनाई पूछ निज कुल कुशल भलाई। कहूँ कहता तो कहाँ सब माता कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता।
भरत जी ने सब कुशल का सुनाई, फिर अपने कुशल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माता कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुनि सुत बचन स्नेह मय कपट नीर भरी नयन, भरत सुनन मन सूल समा पापिनी बोली बैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भर करके पापनी के कई भरत के कानों और मन को सूल के समान चुभने वाले वचन बोली, तात बात मैं सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी, कछुक काज विधि बीच बिगारऊँ, भूपति सुरपति पूर पगुधारऊँ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंथरा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया, वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सहमऊ करी कहरी नादा, तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर के हाथी सहम गई हो। वे तात तात हाय तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर के जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पाऊँ ते तात न राम सौपही मोही, बहुरी धीर धरी उठे संवारी, कहो पितु मरन हो तुम तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका, हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धर करके वे संभाल करके उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुनत बचन कहत के कई, मर्मु पाछी जनु महुर देई, आद हूँ ते सब आपिन करनी, कुटिल कठोर मुदित बन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाच करके चाकू से चीर करके उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर के कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बेसरऊ पितु मरना, सुनत राम बन गौन, हे तू अपनो पन जान जो, थकित रहे धरि मौन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी का बन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इन सारे अनाथों का कारण अपने को ही जानकर के वे मौन रह करके स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सुन रह गए। विकल बिलोक सुता ही समझा वहीं, मनो जरे पर लोक लगा वहीं, तात राव नहीं सोचे जोगु, बिड़ सुकल सुकी न भोगु। पुत्र को व्याकुल देकर के केकई समझाने लगी, मानो जल पर नमक डाल रही हो। वह बोली, हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं है, उन्होंने पुण्य और जस्य कमा करके उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए, अस अनुमान सोच परिहरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए हैं और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए, ऐसा विचार करके सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो, ऐसा केकई भरत जी को कहने लगी। सुनि सुठी सहमउ राज कुमारु, पाके छत जनु लाग अंगारु, धीरज धरी भरी ले उसासा, पापिन सबई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर के बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धर करके बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया, जो पै कुरुचि रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटते पालों सींचा, मीन जियन निति बारी उलीचा। हाय यदि तेरी ऐसी अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तुमने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार डाला, तूने पेड़ को काट करके पत्तों को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने के जानकर के उल्टा तूने अहित कर डाला। हंस वंश दशरथ जनकु राम लखन से भाई, जननुति जननी भय विदेशन, कुछ न बसाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मुझे सुरवंश सा वंश दशरथ जी सरीखे पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जियठ, खंड खंड होई हृदय न गए हूँ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जिय मुह पर न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए, वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई,
तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तेरी की मिकिनी, मरण काल विधिमति हरि लिन्नी, विभिन्न रारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सकते, वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किमि जाने तिय सुभाऊ, अस को जीव तंग जग माई, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म प्राण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिससे रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं है। भे अति अहित राम ते तो ही, को तु हसी सत्य कहू मोही, जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे, तू कौन है मुझे सच सच का, तू जो है सो है, अब मुँह में स्याही पोत करके मुँह काला करके उठ करके मेरी आँखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रकट कीन विधि मोहि, मो समान को पात कहीं, बाद कहूँ कुछ तो ही, सियावर रामचंद्र की जय, मौन पुत्र हनुमान की जय। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनी शत्रुधन मातु कुटुलाई, जर ही गा तेरी से कुछ न बसाई, तेहीं अवसर कुबरी तहय आई, बसने विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर के शत्रुधन जी के संग अंग क्रोध से जल उठे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़े और गहने से सजा करके कुबरी मंथरा वहां आई। लखी ऋषि भरो लखन लघु भाई, बरत अनल घृत आहुति पाई, घूम गिलात तक कुबर मारा, परिमुह भर मई करत पुकारा। उसे सजी देकर के लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबर पर एक लात जम करके मार दी, वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटाऊ फुट कपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारू, आय दैव मय कान सावा, करत नीक फल अनिष पावा। उसका कुबर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगे। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते हुए बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसी टन धरी धरी छोटी, भरत दयानिधि दिन छटाई, कौशल्या पहिगे दो भाई। उसकी यह बात सुनकर के और उससे नख से सिखा तक दुष्ट जानकर के शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब ध्यान निधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृष शरीर दुख भार, कन कल्प बर बेल बल, मानहु हनी तुहार, सियावर रामचंद्र की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही है, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने के सुंदर कल्पलता को वन में पाला पड़ गया हो। भरत ही देख मात उठी धाई, मूर्छित अनि परिचय आई, देखत मात विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिहारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सूझ भूल कर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह दे दिखाई, काश्य राम लखन दो भाई, के कई कत जन्मी जग माथा, जो जन्मी तह भई कहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे भाई श्री लक्ष्मण राम लक्ष्मण कहाँ है, उन्हें दिखा दे। के कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बाज क्यों न हुई। कुल कलंक जय जन्म मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही, को त्रिभुवन मोही सरिस अभागी, गति असितोरी मातु तेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपजस के भाड़े और प्रियजनों के द्रोही मुझे जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई।
पितु सुरपुत बन रघुबर के तू, मैं केवल बस अनर्थ है तू, जिग मोहि भयो बिन बन आगी, दुसह दाह दुख दूसन भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ, मुझे धिकार है। मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मात भरत बचन मृदु सुनि पुनि उठी संभार, लिए उठाई लगाई उरा लोचन मोचित बारिशियाबर। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वीर हनुमान संकट मोचन वीर हनुमान की जय। भरत जी के कमल वचन सुनकर के माता कौशल्या जी फिर संभल करके उठी, उन्होंने भरत को उठा करके छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल स्वभाव माए हिलाए, अतिहित मनो राम फिर आए, भेट हूँ बहुर लखन लघु भाई, सोच सने उन्हें हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट करके आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगाया, शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। देख स्वभाव कहत सब कोई, राम मात असकायन होई, माता भरत गोद बैठारे, आस पोछ मृदु बचन उचारे। कौशल्या जी का स्वभाव देख करके सब कोई कह रहे हैं, श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों न हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोछ करके कोमल वचन बोली। अजहूँ बच्छ बलि धीरज धरहूँ, कुसुमय समझ शोक परिहरहूँ, जनि मानो हे हानि गलानी, काल कर्म गति अघटित जानी। हे वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अभी धीरज धरो, बुरा समय जानकर के शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गलानी मत मानो। काउ दे सुदेहु जनि ताता, भाव मोहि सब विधि बाम विधाता, जो इतही दुख मोहि जीवावा, अजहुं को जानु का ते ही पाव भावा। हे तात, किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा हो गया है, जो इतने दुख पर भी मुझे जिला रहा है, अब भी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है। पितु आयस भूषण बसन तात तजे रघुबीर, विस्मय हर सुन हृदय कुछु, पैरव बल कल चीर सियाबर। रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सियाबर रामचंद्र की जय। हे तात, पिता की आज्ञा से रघुबीर जी ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और बलकल्य वस्त्र लिए, जिनके हृदय में न कुछ विषाद था न खुशी थी। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषी, चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रहिन राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी, न रोष न द्वेष न था, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चल गए। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई, श्री राम जी के चरणों की अनुगामनी वे किसी तरह नहीं न रही। सुनत ही लखनु चले उठी साथा, रहिन जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सब ही सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले, रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने की बहुत यत्न किया पर वे न रुके। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर के चल गए। राम लखन सिय मन ही सिधाए, गयूँ न संग न प्राण पठाए, यह सब भा इन्हीं आखिन आगे, तौन तुजा तन जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए, मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे, यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहिन लाज निज ने हु निहारी, राम सरिस सुतमय महतारी, जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलसित समाना। अपने स्नेह की ओर देख करके मुझे लाज भी नहीं आती, राम सरिखे पुत्र भी पुत्र की मैं माता हूँ, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना, मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र के समान कठोर है। ऐसा कौशल्या जी पछता रही है, कह रही है भरत जी से। कौशल्या के वचन सुनी भरत
सहित रनिवास व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवास सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर के भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर के विलाप करके रोने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया है वो। बिल्प ही बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरत समुझाए, कहीं विवेकमय वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर के विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कह करके सुनाई। भरत हूँ मात सकल समझाई, कहीं पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथा कह करके समझाया। दोनों हाथ जोड़ करके भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अघमात पिता सु तुम्हारे गाय गोठ महिसुरपुर जारे। जे अघ तिलक बालक बद किन्ने मीत मही पति माहुर दिन्ने। जो पाप माता पिता और पुत्रों के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो पाप मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उपपातक अहि कर्म वचन मन भाव कवि कहि। ते पातक मोहि होइ विधाता, जो यौ होइ मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जे परिहरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर। तेहि कहि गति मोहि देउ विधि, जो जननी मत मोर सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़ करके भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता यदि उनमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि बेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप की देहि। कपट कुटिल कलहि प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कला प्रिय और क्रोधी हैं तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लंपट लुलुपचारा, जेता कहीं पर धनु पर दारा। पापों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालची का आचरण करने वाले हैं, जो पराय धन और पराय स्त्री को ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे न भजहि हरि नर तनु पाई, तिन नर हरिहर सुजस सुहाई। जिनका सदसंगत में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख है, जो मनुष्य शरीर पाकर के श्रीहरि का भजन नहीं करते हैं, जिनको हरि हर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुजस नहीं सुहाता है। तजहि श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि भेषु जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊँ, जनिन जो यह जाके भेऊँ। जो वेद मार्ग और छोड़कर के काम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बना करके जगत को छलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दे। मातु भरत के वचन सुनी, साँचे सरल स्वभाव। कहीं राम प्रियता तो तुम सदा वचन मन काऊ, सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वभाव की सच्चे और सरल वचनों को सुनकर के कहने लगी, हे ता तुम तो तन मन और शरीर से ही श्री राम जी के प्यारे हो। राम प्राण होते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण होते प्यारे। विधु विष चैव स्रवे हिमु आगी, होय बारी चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय है और तुम भी श्री रघुनाथ जी को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसने लगे, जलकर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान उबर मिटे न मोहु, तुम राम ही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यूँ जो जग कहें, सो सपने सुख
सुगत न लहीं। और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री राम जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते हो, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो भी कोई ऐसा कहेगा वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएगा। अस कहीं मात भरत ही अलाए, थन पय स्वरही नयन छल छाए, करत विलाप बहु ए भांति, बैठी बीत गई सब राती। ऐसा कहकर के माता कौशल्या जी ने भरत को हृदय से लगा लिया, उनके अस्तनों से दूध बहने लगा और नेत्र से प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार से बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए, सुनि बहु भांति भरत उपदेश, कही परमार्थ वचन सुदेश। तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी आए, उन्होंने सब मंत्री तथा महाजनों को बुला करके फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कह करके बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरऊँ, करूँ जो अवसर आज, उठे भरत गुरु वचन सुनी, कर्ण कहूँ सब साज, सियावर रामचंद्र की जय, कौन पुत्र हनुमान की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने से का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर के भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। निपतनु वेद विदित अनवावा, परम विचित्र विमानु बनावा, गहिपद भरत मात सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम पवित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़ करके रखा, अर्थात प्रार्थना करके सती होने से रोक दिया। वे रानियां भी श्री राम जी के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सहाय, सर्ज तीर रचिचिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सहाई। चंदन और अगर के तथा भी और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर गुगुल केसर आदि सुगंध द्रव्यों से बहुत से बोझे आए। सरयू के तट पर सुंदर चीता रच करके बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। यही विधि दाह क्रिया सब किन्नी, विधिवत नहाय तिलांजलि दिन्नी, सेज स्मृति सब वेद पुराना, किन भरत दशगात विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चित करके उसके अनुसार भरत जी ने पिताजी का दस ग्रात विधान 10 दिनों के कृत किया। जह जस मुनि बर आयुष दिन्ना, तह तस सहस भांति सब किन्ना, भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज बाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान दिए, गौ तथा घोड़े हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन अन धरनी धन धाम, दिए भरत लही भूमि स्वरूपे, परिपूर्ण काम, सियावर रामचंद्र की जय, पौन पुत्र हनुमान की जय। सिंहासन गहने कपड़े अन्य पृथ्वी धन और मकान भरत जी ने दिए, भूदेव ब्राह्मण दान पाकर के परिपूर्ण काम को हो गया, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह से पूर्ण हो गई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सियावर रामचंद्र की जय।